अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो नॉवल इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे राइटर को, राइटर जो है इसके नदीम असलम है, राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स को, राइटर के इंपॉर्टेंट थीम्स को। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर जो करेक्टर लिस्ट है मैप्स फॉर लॉस्ट लवर की उनके बारे में, फिर हम समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने लेक्चर को स्टार्ट करते, पहले बात करते हैं नदीम असलम की। नदीम असलम जो है ये 11 जुलाई 1966 को गुजरांवाला में पैदा हुए। गुजरांवाला पाकिस्तान की सिटी का नेम है। व्हेन ही वाज इन हिज टीन एज, तो उस ड्यूरेशन के अंदर इनकी फैमिली जो है वो हडर्सफील्ड चले गई थी। फिर इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना शुरू किया, लेकिन अपने थर्ड ईयर में ही इन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ दिया था टू बिकम अ राइटर। व्हेन ही वाज 13 ईयर्स ओल्ड, इन्होंने अपनी फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी पब्लिश करवाई थी, विच इज़ रिटन इन उर्दू लैंग्वेज। इन्होंने पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाई थी। इसके अलावा इनका जो फर्स्ट नॉवल है वो है सीज़न ऑफ द रेन बर्ड्स, जो कि 1993 में पब्लिश हुआ था। और इस नॉवल ने रीडर्स की और राइटर्स की ग्रेट अटेंशन गेन की थी। इस नॉवल को पेटी ट्रास्क अवार्ड मिला था और द ऑथर्स क्लब फर्स्ट नॉवल अवार्ड भी मिला था। इनका सेकेंड नॉवल है मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स, जो कि 2004 में पब्लिश हुआ था। ये इनका फर्स्ट नॉवल था, मींस वो नॉवल जिसको लिखने के लिए इनको 11 साल लग गए थे। और 2005 के अंदर इस नॉवल को इनफोर्स अवार्ड भी मिला, फिर इसी नॉवल को किरियामा प्राइज़ भी मिला था। नेक्स्ट नॉवल है इनका द वेस्टेड विजिल, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, आप ठीक कर लीजिएगा। ये नॉवल जो है वेस्टेड विजिल 2008 में पब्लिश हुआ था। देन इनका वर्क है द ब्लाइंड मैनस गार्डन, जो कि 2013 में पब्लिश हुआ। इसके अलावा इनका जो नेक्स्ट वर्क है दैट इज़ द गोल्डन लेजेंड, विच इज़ पब्लिश इन 2017। राइटर के थीम के बारे में बात की जाए तो एक कल्चरल एक्सचेंज के बारे में लिखते हैं, माइग्रेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, हाइब्रिडिटी, फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म, रिलीजन, इलीगल रिलेशनशिप्स, एस्केपिज्म, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, सुपरनेचुरल बिलीव्स, रेप, इनजस्टिस, ये सब इनके डोमिनेंट थीम है। हाइब्रिडिटी क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिसके अंदर पिक एंड मिक्स, यानी कि डिफरेंट पिक एंड मिक्स, यानी कि डिफरेंट कल्चर्स इकट्ठे रह रहे हों। उसके बाद जो है फेमिनिज्म, जिसके अंदर फीमेल जो अपने राइट्स के बारे में बात करें या फिर फीमेल के ऊपर सब्जुगेशन ओप्रेशन दिखाया जाए। मार्क्सिज्म, अपर या लोअर क्लास की बात की जाए। रिलीजन, जिसके अंदर मज़हब की बात की जाए। इलीगल रिलेशनशिप्स, जो कि सोसाइटी प्लस रिलीजन दोनों ही अलाउ नहीं करते। एस्केपिज्म, यानी कि बाउंड्रीज से फ्री हो जाना। इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी के अंदर बताया जाता है कम्युनिटी का क्या रोल है और इंडिविजुअल क्या चाहता है। सुपरनेचुरल बिलीव्स, यानी कि ऐसे बिलीव, काली बिल्ली रास्ता काट गई, सो ऑन, तेरा नंबर, जिनकी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसे बिलीव्स के ऊपर यकीन रखना। ठीक है, तो ये इनके थीम्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं करेक्टर्स की। हमारे पास जो नॉवल है मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स, उसके अंदर हमारे पास जो फर्स्ट करेक्टर है वो है जुगनू, जो कि स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट पे गायब हो चुका हुआ है, भाग गया हुआ है। ये एक मिडिल एज नेचुरलिस्ट है जो कि रेयरली बटरफ्लाइज को स्टडी करता है। नेक्स्ट करेक्टर हमारे पास चंदा का। चंदा और जुगनू दोनों लवर्स हैं। चंदा भी भाग गई है जुगनू के साथ ही स्टोरी के बिल्कुल स्टार्ट में, कहाँ गई है वी डोंट नो। चंदा जो है ये मच यंगर देन जुगनू दिखाई गई हुई है। शी इज़ डाइवोर्स्ड बाय टू हस्बैंड्स एंड अबंडेंट बाय थर्ड वन। तो स्टोरी के स्टार्ट में जुगनू और चंदा दोनों ही गायब होते हैं। देन है शम्मस। शम्मस तो जुगनू का ओल्डर ब्रदर है, इसकी शादी कोकब से हुई है। शम्मस एक कल्चर्ड मैन है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का स्पीकर है, लेस रिलीजियस माइंडेड दिखाया गया है और इसको जो रिलीजन की बाउंड्रीज होती है उससे बड़ी इरिटेशन दिखाई गई हुई है, सॉर्ट ऑफ लिबरल। ऑन द अदर हैंड कोकब जो इसकी वाइफ है वो दिखाई गई हुई है रिलीजियस काइंड ऑफ पर्सन, जो अपने बच्चों को मुसलमान बनाना चाहती है, लेकिन शी फेल टू अपब्रिंगिंग दम प्रॉपरली। इसके तीनों बच्चे जो होते हैं वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। इसका एक बेटा उजाला, वो एक आउटस्पोकन एथीस्ट होता है, ठीक है, जो कि नॉन बिलीवर ऑफ गॉड जिसको कहते हैं हम लोग, वो अपनी 16 की एज के अंदर घर छोड़ जाता है। इसका दूसरा बेटा वो आर्टिस्ट बनना पसंद करता है इंस्टेड ऑफ डॉक्टर। इसकी बेटी जिसको पाकिस्तान भेजा जाता है शादी के बाद, वो अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना शुरू कर देती है। सेटिंग जो है इसकी नॉर्थ ऑफ लंदन, दश्ते तन्हाई, डेजर्ट ऑफ लोनलीनेस दिखाई गई हुई है। स्टोरी के अंदर बेसिकली क्या दिखाया गया हुआ है कि जो रिलीजियस ट्रेडिशन है ना, उनको नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया है। इसके अलावा इलीगल अफेयर दिखाया जाएगा और उसका एस्केप दिखाया जाएगा।
फैमिली क्लैश दिखाया जाएगा इसके अंदर, कुछ सुपर नेचुरल बिलीफ दिखाए जाएंगे, कुछ स्टीरियोटाइप्स दिखाए जाएंगे जो कि पुराने ज़माने के लोगों में होते थे और वो अब भी ऐसे लोग जो कि जिनके पास नॉलेज नहीं है उनमें एग्जिस्ट करते हैं। और इसके अलावा इसमें इस्लाम को नेगेटिव वे में पोर्ट्रे किया गया है और इमिग्रेंट्स की बात की गई है। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। समरी शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको इसके बारे में कि जो मैप्स फॉर लॉस्ट लवर्स है ना, ये नोवल नदीम हसन ने लिखा है जो कि मैं आपको बता चुकी हुई हूँ। इसमें एक पेयर ऑफ लवर्स है, उसके मर्डर के बारे में बात की जा रही है। उन लवर्स में जुगनू एंड चंदा आ जाते हैं। इस बुक के अंदर वर्किंग क्लास पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स हैं जो कि इंग्लैंड में रह रहे हैं और उनके जो रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं जो वो फैमिली बिलीव करते हैं जिनके ऊपर, उनके ऊपर भी कमेंट्री की गई हुई है, क्रिटिसाइज़ किया गया हुआ है। और ये नोवेल जो है, राइटर का कहना है कि उसको इस नोवेल को कम्प्लीट करने में 11 साल लगे थे, 6 ईयर्स उसको कम्प्लीट करने में फ़र्स्ट चैप्टर अकेला उस पर लग गए थे। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी जो है हमारे पास आती है, जुगनू का बड़ा भाई है शम्मस और उसकी वाइफ है कोकब। वाइफ शम्मस की है, ठीक है। तो शम्मस और कोकब इनके लेंजेस के थ्रू, इनके पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हमारे पास स्टोरी कन्वे हो रही है। सेटिंग इसकी मैंने बता दी आपको, नॉर्थ ऑफ लंदन दिखाया गया है जहाँ पे उसमें प्लेस है डेजर्ट ऑफ लोनलीनेस, दश्ते तन्हाई, यानी कि जितने भी इमिग्रेंट्स थे पाकिस्तान से माइग्रेट करके लंदन में वहाँ पे गए थे, उस जगह का मेंशन किया गया है। तो बेसिकली स्टोरी कहाँ चल रही है, दश्ते तन्हाई यानी कि डेजर्ट ऑफ लोनलीनेस में चल रही है इस प्लेस के अंदर। जब स्टोरी ओपन होती है तो पता लगता है कि एक पेयर ऑफ लवर्स है जिसमें जुगनू और चंदा इनका नाम है, ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, मिल नहीं रहे। जुगनू कौन है? जुगनू इज़ अ मिडिल एज नेचुरलिस्ट जो कि रेयरली बटरफ्लाइज के बारे में स्टडी करता है। और चंदा जो है वो जुगनू से थोड़ी यंगर है। चंदा जो है उसको 2 बार डाइवोर्स हो चुकी हुई है और थर्ड हस्बैंड ने उसको अबेंडन कर दिया था। अब जुगनू और चंदा इन्होंने क्या किया, इस्लामिक लॉज जितने भी थे उनको ब्रॉक किया, क्योंकि ये शादी के बगैर ही आपस में इकट्ठे रह रहे थे। और फिर ये दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। जब दोनों डिसअपीयर होते हैं तो जो ये स्मॉल कम्युनिटी होती है, जो दश्ते तन्हाई पे रह रहे होते हैं लोग, इनके अंदर क्योस पैदा हो जाता है। पुलिस को शक होता है कि चंदा का भाई जो है उसको इनका ये रिलेशनशिप पसंद नहीं था, उसने मार दिया इनको। पुलिस का ये भी मानना था कि चंदा के भाई ने इन दोनों को मार कर उनको डिस्पोज कर दिया है, गायब कर दिया है। और मारा क्यों है, वजह क्या है? वजह ये थी क्योंकि उनका जो अफेयर था वो फैमिली के ऊपर शेम का कॉज बन रहा था, क्योंकि एक फैमिली जो है उसके अंदर इलीगल रिलेशनशिप बर्दाश्त नहीं किया जाता, सोसाइटी जो उसको क्रिटिसाइज़ करती है। दैट इज़ वाई पुलिस का ये मानना था कि चंदा का भाई है जो इन सब के पीछे इन्वॉल्व है। इवन यहाँ पे कुछ विटनेसेस भी थे जो कि यही कहते थे कि उनको इसके भाई ने ही मारा है, बल्कि ना सिर्फ भाई बल्कि सब भाइयों ने मिलकर मारा है। इनका ये कहना था, इनका ये मानना था, जितने भी कम्युनिटी के लोग थे जो विटनेसेस थे उन सब का। लेकिन वहाँ पे कोई भी प्रॉपर एविडेंस नहीं था और ना ही उनकी बॉडीज़ मिल रही थी, ठीक है। और दूसरे जो कम्युनिटी के मेम्बर थे उनका ये कहना था कि चंदा और जुगनू जिंदा हैं, उन्होंने खुद को छुपा के रखा, वो भाग गए हुए हैं। थ्रू आउट द स्टोरी हम लोगों को चंदा और जुगनू का कोई भी सुराख नहीं मिलने वाला, वो मिलेंगे नहीं, गायब हो चुके हैं, डिसअपीयर हो चुके हैं, लेकिन उन पर डिस्कशन ज़रूर होगी। फिर जब ट्रायल का इंतज़ार कर रहे होते कम्युनिटी, उस दौरान पे रीडर को डिफरेंट डिटेल पता लगती है, रीडर को नरेटर के बारे में, नरेटर का बैकग्राउंड क्या है, नरेटर बेसिकली समझ चल रहा है ना अभी, उसका बैकग्राउंड क्या है, सारा कुछ पता लगता है आहिस्ता आहिस्ता। शम्मस जो है एक कल्चर्ड मैन है, 60 ईयर्स ओल्ड का है, उसकी अपनी वाइफ से, वाइफ का नाम कोकब है, अक्सर क्लैशेस रहते हैं। इवन के जब जुगनू गायब हुआ और उसके ब्रदर की लवर गायब हुई, इसकी बेस के ऊपर भी इन दोनों के अंदर, कोकब और शम्मस के अंदर बहुत ज़्यादा क्लैश रहा। जो शम्मस है वो लेस रिलीजियस है, जबकि कोकब जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट रिलीजियस दिखाई गई है यहाँ पे, और वो इस तरह के रिलेशनशिप को कभी भी अप्रूव नहीं करती। कोकब अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग मुस्लिम के तौर पे करती है लेकिन स्ट्रिक्टली करती है, और शम्मस जो है वो अपनी वाइफ को कभी भी इस चीज़ पे माफ़ नहीं कर पाता कि उसने उसके बच्चों को मुसलमान बनाया, क्योंकि इनका मानना है यहाँ पे ये दिखाया गया कि मुसलमान जो है बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्टली रिलीजियस बिलीव्स रखते हैं, किसी भी पर्सन को कोई बाउंड्री अलाउ नहीं करते। ये राइटर का बिलीफ है जो राइटर अपनी राइटिंग के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है, वाया शम्मस एंड कोकब। शम्मस जो है ये फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर है, इंग्लिश लैंग्वेज को अडोर भी करता है, और इसका अपनी कम्युनिटी के साथ थोड़ा बहुत गैप भी रहता है। इसके बाद जो स्टोरी है वो शिफ्ट हो जाती है शम्मस और कोकब की पर्सनल लाइफ की तरफ बिफोर द डिसअपीयरेंस,
डिसअपीयरेंस किसकी, जुगनू की और चंदा की। जुगनू की और चंदा की डिसअपीयरेंस होने से पहले शम्मास और कोकब की लाइफ कैसी थी, इसके बारे में बातचीत हो जाती है, जहाँ पे शम्मास के अफेयर के बारे में बताया जाता है और इसकी वाइफ के साथ 3 ईयर्स तक सेपरेशन हुई थी उसके बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद ये दोनों दोबारा इकट्ठे हो गए थे इसके बारे में बताया जाता है। इसके अलावा कुछ और अजीबोगरीब इवेंट्स हुए थे दश्ते तन्हाई के इनहेबिटेंट्स के अंदर, उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि एक फैमिली है वो अपने डॉटर्स के ऊपर, यानी कि इसकी जो बेटी है उसकी बेटी के ऊपर काला जादू हो गया, उसको जिन चमड़ गए, इस बिलीफ के साथ उसको मार देते हैं, ठीक है। दूसरा बिलीफ क्या था, दूसरा रिएक्शन ये दिखाया गया कि एक यंग ब्राइड की मदर होती है जो कि अपने सन इन लॉ को कहती है कि ही शुड रेप हर डॉटर, क्योंकि शादी के बाद वो 7 दिन तक लगातार अपने हस्बैंड के साथ सोई नहीं। इसके अलावा एक लड़की है जिसको जी डॉक्टर के पास नहीं भेजा जा रहा है इलाज के लिए, क्यों, ताकि उसकी प्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए, उसको रेप ना कर दे, उसकी चेस्टिटी जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो इन शॉर्ट इसके अंदर रेप्स, ऑनर किलिंग्स, इलीगल कोर्ट्स, इनजस्टिस, इस तरह के सब जो करप्शन है वो दिखाई गई हुई हैं। अब नैरेटर कौन है, शम्मास है। तो शम्मास के थ्रू ये सब कुछ बताया जा रहा है, तो शम्मास अपना फर्दर एंगर, अपनी फर्दर डिस्डेन की टोन शो करता है। क्यों करता है शो, क्योंकि उसको ऑलरेडी मुस्लिम से, ऑलरेडी इस्लाम से प्रॉब्लम है, तो ये सब सुपरस्टिशंस भी उसी कल्चर से एसोसिएट करता है और इसलिए वो फर्दर अपना हेटर्ड शो करता है। अब इसके अलावा रीडर जो है वो फर्दर वहाँ पर 3 करेक्टर्स देखता है जो कि बच्चे हैं शम्मास एंड कोकब के। तीनों के तीनों बच्चे मॉडर्न कल्चर के, वेस्टर्न कल्चर की रिफ्लेक्शंस करते हैं, क्योंकि एवरीवेयर जो वेस्टर्न कल्चर है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा होता है। कोकब जो है बड़ा डिसडेन फील करती है, बड़ा सैड फील करती है, बड़ा पैसिमिस्टिक उदास महसूस करती है इस बेस पे, क्योंकि उसका मानना है कि वो अपने बच्चों की अपब्रिंकिंग जो है वो प्रॉपर वे में नहीं कर पाई। जितने भी इसके तीनों के तीनों बच्चे हैं वो जितने मुस्लिम कोर्ट्स होते हैं उन सबको रिजेक्ट कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। वो कहते हैं कि जो मुसलमान है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, उनका इस्लाम जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, तो वो इन बिलीव्स को नहीं मानते। ये उन सबका यानी कि बच्चों का ये बिलीव्स है। एक उसका बेटा जो कि 16 साल का है, 16 साल की एज में अपना घर छोड़ देता है और आउट स्पोकन एथीस्ट बनता है, एक गुस्ताख बनता है, नॉन बिलीवर ऑफ गॉड बनता है। एक बच्चा इसका डॉक्टर बनने के बजाय आर्टिस्ट बनना पसंद करता है अपनी मदर की विशेस के अगेंस्ट, क्योंकि इसकी मदर चाहती है वो डॉक्टर बने। इसकी एक बेटी, उसको पाकिस्तान भेज दिया जाता है शादी करने के लिए और शादी उसकी पाकिस्तान में होती है। वो क्या करती है, अपने हस्बैंड को छोड़ देती है और वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना शुरू कर देती है, अपने छोटे छोटे बाल रख लेती है। अब स्टोरी का एक क्लाइमेक्स कब होता है, तब होता है जब कोकब की लड़ाई हो जाती है अपनी बेटी के साथ और वो उसके मुँह पर थप्पड़ मारती है। अब क्योंकि बच्चे टोटली वेस्टर्न है और मदर रिलीजियस है, कम्युनिटी रिलीजियस है, तो ये बच्चों की जो अपीयरेंस है ये कम्युनिटी के डर से, जो कोकब है बच्चों की अपीयरेंस की बेस पे बच्चों से मिलती नहीं है, स्पेशली डॉटर से नहीं मिलती, क्योंकि डॉटर ने नंबर 1 हस्बैंड को छोड़ा, नंबर 2 वेस्टर्न क्लोथ पहनना शुरू कर दिया, नंबर 3 शॉर्टकट कर रख लिया अपना हेयर्स का। अब स्टोरी के एंड पे क्या होता है, सारी फैमिली इकट्ठी बैठी होती है, इकट्ठी बैठ के फाइनली दे आर डिस्कसिंग द मर्डर ऑफ जुगनू, जुगनू के मर्डर को डिस्कस कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, हर बंदा गुस्से में आके ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर देता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, और इससे क्या होता है, जो इनके फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं, जो इनका फैमिली रिलेशन होता है, उनके अंदर क्लैश आ जाता है और लड़ाई हो जाती है, और यहाँ से ही स्टोरी की एंडिंग हो जाती है। स्टोरी में नहीं बताया गया जुगनू चंदा कहाँ गए हैं, मर गए हैं, जिंदा हैं, एस्केप कर गए हैं, किस जगह पर हैं, कुछ भी नहीं बताया गया। और स्टोरी की एंडिंग जो है वो ऐसी दी गई है कि रीडर खुद सोचे, ये होती है पोस्ट मॉडर्न अप्रोच, कि एंडिंग जो है प्रॉपर कंक्लूजन ना दिया हो, रीडर के ऊपर डाल दिया जाए कि रीडर खुद सोचे कि एंड पे क्या हुआ होगा। तो फेमिनिज्म का थीम देखा हम लोगों ने, जब वहाँ पे एक बेटी को उसके ऊपर यानी कि जिन हो गया, साया चिमड़ गया करके मार दिया गया। उसके अलावा एक माँ अपने सन इन लॉ को कह रही थी कि अपनी बेटी का रेप कर दे। इसके अलावा औरत जो थी बीमार होगी उसको डॉक्टर के पास भेजा गया ताकि उसकी प्योरिटी जो है वो डिस्टर्ब ना हो जाए। रेप दिखाया गया कि कितना फीमेल को थ्रेट है। इसके अलावा साथ दिखाया गया यहाँ पर इलीगल रिलेशनशिप जुगनू एंड चंदा का। उसके अलावा यहाँ पर बायस्ड एटीट्यूड दिखाया गया टूवर्ड मुस्लिम एंड इस्लाम, क्योंकि वी नो दैट के इस्लाम के अंदर इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, लेकिन जो चीज़ गलत है वो चीज़ फिर गलत है। जैसे जुगनू और चंदा का रिलेशनशिप बिफोर मैरिज, जो रिसेंट स्पीच आई थी मलाला यूसुफ जई की, इसके अंदर उस चीज़ को भी प्रमोट किया गया है, शादी के बगैर रिलेशनशिप को।
बाकी इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर दिखाया गया हुआ है, आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया है कि एक तरफ मुस्लिम है लेकिन अडॉप्ट कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, फैमिली क्लैशेस दिखाए गए हुए हैं, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये ओवरऑल थीम्स थे, ओवरऑल लेक्चर था, आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।